अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है, और खुश आमदीद कहते हैं आप सबको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक एंड रिलायबल फॉरम दी कंप्यूटर सर्विसेज अकेडमी में। आज की इस वीडियो में एजुकेटर्स के हवाले से बात करनी है, उसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर की सीट्स आ रही हैं उस पर बात करेंगे, और PPSC की जो चेयरमैन का इशू चल रहा है उसके ऊपर भी बात करनी है आप लोगों से। आपको ये सामने खबर नज़र आ रही होगी कि 33,000 आरजी स्कूल असातिज़ा की टेस्ट के ज़रिए भर्ती की जाएगी। अब ये देखें, ये मुल्क पाकिस्तान है और पाकिस्तान का सूबा पंजाब है, जहाँ पर 33,000 असातिज़ा की भर्ती की जाएगी, वो भी आरजी तौर पर डेली वेजेस के ऊपर। जिस तरह एक मज़दूर काम करता है ना और उसे डेली की दिहाड़ी मिल जाती है, उस दिहाड़ी के ऊपर टीचर्स को अब रखा जाएगा, और वो भी टेस्ट के ज़रिए रखा जाएगा। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेस्ट जो है वो या तो स्कूल काउंसिल के ज़रिए होगा या महकमा तालीम की सरपरस्ती में होगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन या मेरी जो पर्सनल राय है ना, वो बिल्कुल इसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि स्कूल काउंसिल जो टेस्ट वगैरह लेगी ना, उसमें शफाफियत नहीं होगी बिल्कुल भी। या आपका डिपार्टमेंट भी टेस्ट लेगा तो वो भी काबिले भरोसा नहीं होगा। लिहाजा मेरी राय के मुताबिक ये टेस्ट किसी ना किसी टेस्टिंग एजेंसी को लेना चाहिए, चाहे ये जॉब्स की भर्ती PPSC के थ्रू हो या NTS के थ्रू हो। बहरहाल ये स्कूल काउंसिल से या महकमा तालीम की सरपरस्ती में होना, ये फ़ैसला बिल्कुल जो है ना ठीक साबित नहीं होगा। इसमें करप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप लोगों को भी जाकर इसके ख़िलाफ़ CM पोर्टल पर या PM पोर्टल, अगर वो अभी एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पर जाकर इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, और ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाएं, फेसबुक के अपने आपके जो पेजेस हैं, फेसबुक के कोई ग्रुप्स हैं, वहाँ पर कोई ट्रेंड चलाएं, अपनी आवाज़ को उठाएं। आप लोग आवाज़ उठाएँगे तभी आपकी आवाज़ यहाँ के ऐवानों तक पहुँचेगी और आपको आपके हकूक़ मिल सकेंगे, अदरवाइज़ काम ख़राब हो जाएगा। और ये जो है ना आरजी भर्ती, ये भी ज़्यादती है। इतने अरसे से स्कूल खाली पड़े हैं, असातिज़ा की तादाद बिल्कुल कम है। मैं माजी में जिस स्कूल में पढ़ाया करता था, उस स्कूल के अंदर जब मैं पढ़ाया करता था, उस स्कूल के अंदर 22 से 24 असातिज़ा हुआ करते थे, और आज जब मेरी एक टीचर से मुलाकात हुई तो पता चला कि वहाँ पर अब सिर्फ़ और सिर्फ 8 असातिज़ा मौजूद हैं, यानी 14 असातिज़ा की वहाँ पर अब कमी हो चुकी है। असातिज़ा की बहुत ज़्यादा किल्लत है पूरे पंजाब के अंदर। तो गवर्नमेंट को एक स्टेप लेना चाहिए और असातिज़ा की मुस्तकिल भर्ती करनी चाहिए, चाहे वो साइंस के टीचर्स हों, चाहे वो आर्ट्स के टीचर्स हों। यह आर्जी भर्ती अपने आप में एक जुल्म है, फिर उसके ऊपर टेस्ट भी जो है स्कूल काउंसिल्स के ज़रिए या महकमा तालीम खुद लेगा, ये भी फिर एक जो है ना इसमें करप्शन के अनासिर बढ़ने के चांसेस हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर सीटें आने वाली हैं। पिछले दिनों भी सीटें आई थी 2-3 AD लेबर की, जिसके अंदर 50% GK था और 50% आपके लेबर के लॉज थे। लेकिन ये जो AD ये असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर ह्यूमन एंड रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर 35 सीट्स आने वाली हैं, और चांसेस यही हैं कि ये सीटें पैसी की होंगी। जो असिस्टेंट डायरेक्टर पैसी की सीट्स तकरीबन 2 साल पहले भी आई थी, उस वक्त जो इसका सिलेबस था 40% उसके अंदर आपका सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, MBA मैथमेटिक्स, इस तरीके की डिग्रीज से क्वेश्चन थे, जबकि 60% उस वक्त इसके अंदर GK हुआ करता था, 60% GK था। और अब भी बड़े कवि चांसेस हैं कि इस बार भी आपका जो GK है वो 60% ही रहेगा, और 40% सब्जेक्ट रेलेवेंट आपका पेपर आने वाला है। अब जहाँ तक ताल्लुक है कि कौन कौन सी डिग्रीज़ वाले इसके ऊपर एलिजिबल होंगे, अभी ये बात ज़रा शकूक व शुबहात का शिकार है, क्योंकि एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट कर रहा था, मैंने भी उसके ऊपर वीडियो बनाई थी, कि जो पहले रिक्वायरमेंट थी इसकी डिग्रीज़ की, पहले कोई भी बंदा इसके ऊपर अप्लाई कर सकता था जिसके पास भी मास्टर्स डिग्री थी। हाँ, प्रेफरेंस दी जाती थी इकोनॉमिक्स वालों को, सोशल वर्क सोशियोलॉजी वालों को या MBA वालों को, बट इस बार सुनने में आ रहा है कि शायद ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन सेट का, वो चेंज कर दिया जाएगा, और मैथ है, इकोनॉमिक्स है, MBA है, फाइनेंस वाले, इन लोगों को एलिजिबल करार दिया जाएगा, और हर डिग्री वाला इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकेगा। बहरहाल इसके खिलाफ भी आप लोगों को जब ये सीट्स अनाउंस होंगी बहुत जल्द इंशाल्लाह, तो आपको इसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए कि सबको ही एलिजिबल करार दिया जाए। सिलेबस आउटलाइन तकरीबन वही रहने वाली है, 60-40 या 70-30 की रेशो हो सकती है। बहरहाल ये एक अच्छी सीट होती है, AD पैसी आप इसे कहते हैं। टोटल सीट्स 35 हैं और एक्सपेक्टेड सैलरी यहाँ पर 150K लिखी हुई है। 1,50,000 तो खैर नहीं होती इसकी सैलरी, लेकिन 125 तक बहरहाल हो जाती है। 1,20,000-25,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, और अगर आप एक सर्विस में इन होते हैं और आपकी सैलरी 1,00,000 से ऊपर हो तो ये अच्छी सैलरी है, हैंडसम अमाउंट है। आपको इसके लिए ट्राई करना चाहिए। अकेडमी का सेशन, सुपर सेशन 20 रमज़ान से हमारा स्टार्ट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्क्रिप्शन में जब आप जाएंगे तो आपको हमारे बहुत सारे डेमो लेक्चर्स, स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी। आप हमारा वो सेशन ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा अकेडमी का पास पेपर्स का टेस्ट सेशन भी चल रहा होता है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें तो आज अखबार के अंदर एक खबर लगी, ये आज की ही तारीख 28 मार्च 2024 की खबर है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में नए चेयरमैन की तकरारी अभी तक ना हो सकी, हज़ारों उम्मीदवारों का मुस्तकबिल दाव पर। बिल्कुल जी, हज़ारों क्या लाखों उम्मीदवारों का मुस्तकबिल दाव पर है। अब आप देखते हैं कि एक एक सीट के ऊपर 90-90 हज़ार, 1-1 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं। लिटरेसी मोबिलाइज़र का सीन आपके सामने है, तहसीलदार की सीटों का सीन आपके सामने है, इंटेलिजेंस ऑफिसर पर कितने लोगों ने अप्लाई किया, एक अच्छी खासी तादाद। बेचारे बेरोज़गार नौजवान मारे मारे फिरें और यहाँ इनसे एक चेयरमैन की तकरारी नहीं हो पा रही अभी तक। हालाँकि 14 फरवरी को ये सीट खाली हो गई थी और होना ये चाहिए था कि 15 फरवरी को न्यू चेयरमैन आकर सीट पर बैठ जाता। चाहे कोई जर्नल आए, फौजी आए या कोई ब्यूरोक्रेट आए, रिटायर्ड जो भी आए, उससे अब हमारा कोई गर्ज नहीं है। एक ईमानदार शख्स आए जो इस सिस्टम को लेकर चले, सिस्टम की खामियों को दूर करे और सिस्टम के अंदर बेहतरी लाने की कोशिश करे, जो कैंडिडेट्स हैं उनके हकूक़ का ख्याल रखे। बहरहाल अभी तक जी ये नए चेयरमैन की तकरारी नहीं हो सकी और हमारी भी डिमांड यही है कि नए चेयरमैन की तकरारी जल्द अज़ जल्द की जाए ताकि जो पेपर्स हैं वो हो सकें, रिज़ल्ट आ सकें। देखें, PMS के पेपर्स पेंडिंग में हैं, पुलिस असिस्टेंट का जो पेपर एक लीक हुआ था उसके पेपर्स दोबारा लेने थे, वो नहीं हो सके। तहसीलदार का पेपर भी पेंडिंग में है, सब इंस्पेक्टर, बिल्डिंग इंस्पेक्टर वगैरह के इश्तहारात अखबार में शाये ही नहीं हो सके। सब इंस्पेक्टर की जो आप लोग बार बार बात करते हैं, ओपन मेरिट की और कोटा मेरिट की, कोटा की सीट्स, वो बिल्कुल आनी है, लेकिन चूँकि चेयरमैन नहीं आ रहा तो रिक्विजिशन इनके पास जो भी आती है वो फाइनलाइज नहीं हो पाती। तो आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ, ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के आपके कोई पेजेस हैं, आपका कोई यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आपको आवाज़ उठानी चाहिए। और उसके अलावा अगर आपका कोई अखबारी नुमाइंदे से कोई ताल्लुक़ है तो अखबार के अंदर भी छोटी मोटी खबरें इस तरीके की लगवा दिया करें जैसे ये लगवाई हुई खबर है एक, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज इस वीडियो में आपके काफ़ी सवालात के जवाब मिल गए होंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।